हे गाइज, मैं उमेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज है 31st of December, इस साल का सबसे लास्ट दिन और अब आने वाला है 2021। तो एडवांस में आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए 2021 बहुत ही अच्छा रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो रियलमी फैंस के लिए 2021 बहुत ही कमाल का रहने वाला है, क्योंकि 2021 के शुरुआत में ही रियलमी बैक टू बैक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिनमें ज़्यादातर स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के होंगे और 5G सपोर्ट के साथ में आएंगे। क्योंकि इन फोन्स में आपको MediaTek Dimensity वाले पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेंगे, जिनका वेट आप पिछले काफी टाइम से कर रहे हो। तो गाइस, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी रिसेंटली Realme के कुछ डिवाइस BIS सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाइड हुए थे। अब BIS पर सर्टिफाइड हुए, जिसका मतलब है कि डेफिनेटली आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। हाँ, टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें जनवरी मंथ की, तो सबसे पहले आपको Realme की X7 सीरीज इंडिया में देखने को मिलेगी। उसके बाद में Realme अपनी पॉपुलर नंबर सीरीज में Realme 8 सीरीज लॉन्च करेगा, और उसके बाद कहीं जाकर आपको नार्जो की 30 सीरीज इंडिया में देखने को मिले। अब ऐसे में काफी लोगों के मन में डाउट है कि Realme का Q2 कब आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स मिले थे इस डिवाइस से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे Realme Q2 के बारे में। यह डिवाइस आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट के साथ में लॉन्च होगा, और इसके अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं Realme Q2 के बारे में। तो ये डिवाइस ऑलरेडी चाइना में अक्टूबर मंथ में लॉन्च हो चुका है, और अभी रिसेंटली BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्टेड हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च होगा। बट यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि ये डिवाइस Q2 के नाम से लॉन्च होगा या फिर एक डिफरेंट नाम से, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग लीक्स आ रहे हैं कि ये डिवाइस इंडिया में Realme Narzo 30 सीरीज के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि Realme पूरी की पूरी क्यू सीरीज को इंडिया में Narzo 30 के नाम से लॉन्च ना कर दे, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि Realme के जो Narzo सीरीज है वो पूरी की पूरी रिब्रांडेड सीरीज होती है। चाहे आप Narzo 10 को ले लो, Narzo 20 को ले लो, या फिर Narzo 30 को, बट अगर एक्चुअल में देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे Realme की Narzo 30 के नाम से आ जाए या फिर Realme की Q सीरीज के नाम से। अगर फोन अच्छे प्राइस और स्पेक्स के साथ में लॉन्च किए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई इशू होना चाहिए। अब Realme Q2 के अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, उनको लेकर बात कर लेते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, वही पंच होल डिजाइन वाला डिस्प्ले। ये एक IPS LCD पैनल होगा, बट अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, which is good। अगर बात करें रियर कैमरास की, तो 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाले हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे फीचर्स भी आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है प्रोसेसर को लेकर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये डिवाइस MediaTek Dimensity 800U के चिपसेट के साथ में आएगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, 11nm बेस चिपसेट है। तो पावर एफिशिएंसी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। गाइज, ये जो चिपसेट है इसने अंतुतु बेंचमार्क स्कोरिंग के ऊपर नंबर 1 स्कोर किया था, और काफ़ी सारे बजट 5G स्मार्टफोन्स को पीछे छोड़ दिया था परफॉर्मेंस के अंदर। तो आप आइडिया लगा सकते हो आपको कितनी पावरफुल परफॉर्मेंस इस चिपसेट के साथ में देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डिवाइस आपको बजट सेगमेंट पर देखने को मिलेगा। इस डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस 14,000 से 15,000 रुपये रहने वाला है, जहाँ पर आपको 4GB 64GB वेरियंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और वेरिएंट होगा 6GB 128GB। तो डिवाइस तो काफी कमाल का रहने वाला है। अब अगर बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो जनवरी मंथ में Realme सबसे पहले X7 सीरीज को लॉन्च करेगा, उसके बाद में आपको Realme की 8 सीरीज देखने को मिलेगी। अब उसको सेल पर आते आते 1 से 2 वीक हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलो कि जनवरी मंथ में तो ये डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, फरवरी मंथ में ये डिवाइस डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये डिवाइस Realme की Narzo सीरीज के नाम से लॉन्च हो सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको स्पेक्स काफ़ी पावरफुल मिलते हैं, प्राइसिंग काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी देखते हैं Realme से किस प्राइस पॉइंट के ऊपर लॉन्च करता है और किस नाम से लॉन्च करता है। तो फिलहाल के लिए Realme Q2 को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप Realme के किस स्मार्टफोन का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।